का मायापुर टीवी के इस स्पेशल टॉक शो के आज के प्रोग्राम में। तो आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम्स के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आज हम वन टू वन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पर जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे समाज में, जो कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ कुछ ऐसे घटनाक्रम हम आज के समय में देख रहे हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाले हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं हमारे स्पीकर के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 6297737729, जिस पर आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएँ व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे जो स्पीकर हैं हमारे साथ में जो आए हैं, श्रीमती रेवती रम्या माता जी, जो कि पहले भी हमारे शो में कई बार आ चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन उतना मैं नहीं सोचती कि ज़रूरत है, क्योंकि माता जी बहुत बार हमको बता चुके हैं। तो मैं झट से चाहूँगी कि हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान हमारे स्पीकर्स के पास है। और देखिए, ये जो हमने जो ये लेडीज़ स्पेशल टॉक शो स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि हम समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में महिलाएं पीछे नहीं हैं, उनके पास भी अपूर्व ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, जिसको देकर के वो जन सामान्य का भला कर सकती हैं। इसी की एक पहल है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे रेवती रम्या माता जी का। माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो पर आए। माता जी, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका आज के समय में सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा सर चढ़ कर के सबके बोल रहा है। और ये जो एक सब्जेक्ट है, मैं आए दिन यूट्यूब पर इसके लिए वीडियोस देख रही हूँ। कोई एक वीडियो बनाता है, उसके उत्तर में फिर कोई एक वीडियो बनाता है, कोई एक इस्कॉन डिवोटी उन सबका उत्तर देता है, तो फिर कोई एक व्यक्ति विशेष बड़ी गंदी सी लैंग्वेज लेकर के इस्कॉन के अगेंस्ट बोलता है। और इस तरीके के वीडियोस निरंतर बन रहे हैं, मैं यूट्यूब पर इस सब को देख रही हूँ। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपना जो व्हाट्सएप ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान जहाँ से भी वो उपलब्ध होता है, उसको वहाँ पर वो लोग फैला रहे हैं या जो भी मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है माता जी? आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इस्कॉन शिवजी की निंदा करता है, शिवजी को डेमीगॉड बोलता है, या इस्कॉन में इस प्रकार से देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। आपका इस पर क्या विचार है माता जी? हरे कृष्णा, ये आपने बहुत सही जो है रखा है प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स और ये सब हैं, तो हम स्पष्ट सभी को बताना चाहेंगे। और ये क्लियरेंस भी ज़रूरी है लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो ऐसा है कि मैं भी ये देख रही हूँ यूट्यूब में सारी चर्चाएं और ये सब। तो एक्चुअली में पता नहीं लोग कैसे इस तरह का कमेंट करते हैं, आई डोंट नो। सबके अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग तरीके हैं जी स्पिरिचुअलिज्म के। हाँ, अगर हम देखें तो सभी सनातनी हैं। सब सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे सनातन धर्म में अलग अलग ऐसे व्यू पॉइंट्स होंगे, आपस में ही ऐसे क्लेश जैसे होंगे, तो फिर दूसरे तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ही। और फिर अभी देख रहे हैं इस तरह के धर्म परिवर्तन वगैरह सब हो रहे हैं जी। तो इसमें हमें एकजुट होना है, समझना है इस बात को। और जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई भगवान शिव के बारे में जो प्रश्न जो है सामने आया है, तो भगवान शिव भगवान ही है, इसमें नो डाउट। हम जैसे विष्णु का सम्मान करते हैं, कृष्ण का सम्मान करते हैं, राम का, उसी तरह शिव जी का भी सम्मान करते हैं। पर अभी बहुत लोगों का ऐसा है कि हम लोग उनका निरादर करते हैं या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की अपनी अपनी एक भावनाएं हैं, सभी अभी का अपना एक भाव है, किसके तरफ ज़्यादा झुकाव होता है,
जैसे सबके अपने अलग अलग इष्ट देव होते हैं उस तरीके से। तो हम शास्त्रों से कोट कर सकते हैं, शास्त्र हमको बताते हैं कि हु इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और इसको भी नहीं नकारा जा सकता कि शिव जी भी जो है उसी पोस्ट में ही हैं। और हम शिव को जितना आदर सम्मान देते हैं, जितना रिस्पेक्ट हम वैष्णवों को है शिव जी के प्रति, आई डोंट थिंक सो कि दूसरे लोग उस तरह का सम्मान देते हैं शिव जी को। सिर्फ एक तर्क के लिए आ जाते हैं ताकि एक ईगो प्रॉब्लम होता है ना, कि कृष्ण को छोटा दिखाना है या शिव जी को बड़ा दिखाना है। यहाँ छोटे बड़े की कोई बात ही नहीं है जी। सभी एक स्तर पर है, सभी एक समान है। तो वो लोग इस तर्क पर आ जाते हैं, बट अगर हम लोग से डायरेक्ट आकर के पूछें और ऐसे सवाल करें तो हम उनको बता सकते हैं कि शिव जी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हम उनका कितना सम्मान करते हैं। हर जगह जहाँ भी भगवान का मंदिर होता है वहाँ पर शिव जी का मंदिर होता ही होता है जी। जहाँ भी वैष्णवों का मंदिर है वहाँ शिव जी का मंदिर है, और सभी वैष्णव वहाँ जाते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी जो है महादेव को जो है प्रणाम करते हैं, उनको शंभू कहा गया है, वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। और इस तरह से कैसे लोग ये कह सकते हैं कि हम उनका निरादर करते हैं जी। तो बाकी ये है कि हाँ, एक समझ करके करना। आज हम इस पथ पर हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस ही रहेंगे ना जी। जी तो हाँ, बहुत लोग हैं शिव कॉन्शियसनेस में हैं, तो रहें शिव कॉन्शियसनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं शिव भी कहते हैं कि जो विष्णु की आराधना नहीं करता है, जैसे वो स्वयं पार्वती जी से कहते हैं विष्णु आराधना नाम परम जी। तो विष्णु की आराधना सबसे टॉप मोस्ट है। और वहाँ भगवान विष्णु भी कहते हैं कि शिव का आदर सम्मान होना चाहिए, शिव की पूजा होना चाहिए। तो जब उनमें मतभेद नहीं है तो लोगों में इस तरह से मतभेद कैसे आ गए हैं? यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी, अधूरा ज्ञान, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक थे ना, नीम हकीम खतरे जान। तो इस तरह का है। तो ये इससे है कि हम लोग को शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन तर्कों पर। हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हम कैसे जाने क्यों ऐसा है, क्यों इस तरह से है, वो जाने, उसके बाद जो है बातें करें। और ऐसे ही कमेंट कर देना, आजकल तो सबका गुरु बन गया गूगल गुरु, और ये यूट्यूब और ये व्हाट्सएप, लगता है सबको कि बस ज्ञान का भंडार हो गया उनके पास और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। और ज्ञान इतना विशाल है, इतना विशाल है, उसको ऐसे ही जान लेना वो भी बिना गुरु के व्हाट्सएप में और यूट्यूब में, ये कहाँ सही है? संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, और गलत ही है, बिल्कुल गलत है। फिर वही नीम हकीम खतरे जान वाली बात आ गई, अधूरा ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और क्या स्तर है शिव जी का वैष्णवों के हृदय में, वो तो वैष्णव से जब आप पूछेंगे तभी, जैसे अभी आप ये रखा है तो लोग कह सकते हैं कि भगवान शिव गुरु तत्व को सिंबल करते हैं उनको, और उनके बिना तो हम कृष्ण तक कैसे पहुँचेंगे, गुरु के बिना। हाँ, गुरु के ज़रिए ही हम कृष्ण तक पहुँचते हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हम शिव जी का सम्मान नहीं करते? हाँ, हम शैविक नहीं हैं, हम शिव जी की माला का जाप नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। हम जिनकी आराधना करें, जिस पथ पर चल रहे हैं, जिनको जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो हम पूरी सतर्कता के साथ पूरा समय जो है हम उसी में देंगे। आज मेरा एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगी ना जी। और ऐसा भी नहीं कि मैं दूसरे बिजनेसमैन का निरादर करूंगी। हाँ, तो बिजनेस मेरा है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगी, मेरे पास और समय नहीं है। हाँ, तो फिर मैं कैसे उस तरफ ये करती हूँ? और इसको लेकर के अगर सब कहें कि आप लोग निरादर करते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। वैसे आप भी अपने विचार पर वैसे देखिए माता जी, बात ये है
कि हमारा उद्देश्य निरादर करने का तो है ही नहीं, है ना। और जहाँ तक बात रही कि हम लोग शिवजी को डेमी गॉड कहते हैं, तो देखिए डेमी गॉड वर्ड का जो अर्थ है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी क्या कहने चाहिए, बदकिस्मती है, इट इज़ देयर मिसफॉर्च्यून कि वो लोग उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो उसको दुर्भावनापूर्ण या निरादर पूर्वक उस अर्थ को ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, है ना। अन्यथा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम शिव जी का अपमान करें, क्योंकि अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो आकर के देखें तो मायापुर में जो योगपीठ है, जो महाप्रभु का जो जन्मस्थान है, निमाई जन्मस्थान, वहाँ पर आप देखेंगे जन्मस्थान के बिल्कुल पीछे, यानी कि उसी प्रांगण के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर आपको दिखेगा, उसी कैंपस में शिवजी का मंदिर है, बहुत सुंदर। वहाँ पर क्षेत्रपाल और गोपेश्वर महादेव के दो शिवलिंग हैं, जिनकी आराधना वही वैष्णव लोग करते हैं, वही वैष्णव, अलग से कोई बाहर से शैव संप्रदाय का कोई पुजारी नहीं बुलाया जाता जो त्रिपुंड धारण करके वहाँ आता हो, वही वैष्णव पुजारी जाकर के शिवजी की आराधना करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं इत्यादि। तो ये जो तर्क है लोगों का, मेरे ख्याल से पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कुछ भी मतलब बेसलेस है, पूरी तरह बेसलेस है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, निराधार है, निराधार से। तो देखिए माता जी, कुछ और भी कमेंट्स हैं जिनसे मैं बहुत आहत होती हूँ पढ़ करके, कि वहाँ लोग कह रहे हैं कुछ कुछ कोटेशंस वो लोग लगा दे रहे हैं। मान लीजिए शिव पुराण का उन्होंने कोई वहाँ से लगा दिया, कोई एक कोई कोटेशन लगा दिया और उसको वहाँ पर कमेंट में वो बता करके और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि शिव जो हैं वो परम ईश्वर हैं और कृष्ण हैं जो वो उनके सेवक हैं। और एक कमेंट तो इतना मुझे हास्यास्पद लगा, वहाँ पर कह रहा है कोई व्यक्ति कि शिव ने नृसिंह जो हैं, भगवान नृसिंहदेव, उनको भी वध कर दिया था। हरे कृष्ण। तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा मुझे हंसी भी लग रहा था, दुख भी हो रहा था, मिक्स्ड फीलिंग मेरे को आ रही थी कि ये एक अजीब सी ही होड़ मची हुई है अपने आराध्य को ऊपर उठाने की और दूसरे के आराध्य को नीचा दिखाने की। Exactly. ये जो है इससे इसे इसका क्या, हम इसको कैसे हम टैकल करें, इस चीज़ को हम किस दृष्टिकोण से देखें। दुख भी होता है, क्या हमें उसका उसके प्रति हमको विरोध प्रकट करना चाहिए या उन चीज़ों को हमको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। देखिए हम उस स्थिति में नहीं हैं, मीन्स जो हमारे बहुत सीनियर हैं, महाराज लय सन्यासी हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे क्या करना है। विरोध वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए, बट हाँ लोगों को समझना चाहिए। आज हम विरोध करेंगे, कल फिर वो दूसरी बात कहेंगे, हम तीसरी बात कहेंगे। यहाँ पर हम झगड़ने के लिए थोड़ी बैठे, सही बात है। हम सब सनातनी हैं, तो एक फैमिली के हम लोग सब मेंबर्स हैं। इस तरीके से हम लोग कैसे पेश आ सकते हैं, इसको इसके द्वारा हम दूसरों को क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस तरह का कमेंट नरसिंह भगवान के लिए या शिव जी के लिए इसे बोलना, आप शास्त्र की बात बोल सकते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है, आप उसको ये करिए, मेंशन करिए, तो अलग बात है। वरना अपने दिमाग की उपज है और अपनी स्पेक्यूलेशंस है, मेंटल स्पेक्यूलेशन, उसके हिसाब से जैसे आपने कहा अपने इष्ट को ये करना, ताकि आप अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें जी। पर इस तरह से दूसरे के इष्ट को, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम उसका निरादर नहीं कर सकते। हम सही माने में उनको ज्ञान दे सकते हैं कि भाई ये शास्त्रों के कोर्स हैं, जैसे भगवान ने भी गीता में कहा ध्यान योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में। फिर एंड में उन्होंने कहा अर्जुन से, जो आपको सही लगता है वो करिए, सब में से जो आपको सही लगता है वो करिए। जब भगवान ऐसे कह सकते हैं तो इस तरह से पूरे शास्त्रों के ज्ञान को ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ निर्णय करिए। अगर नहीं है तो चुप रहिए जी, कुछ बोल करके अपराध और न करें।
ये बहुत बड़ी अपराध करना, मतलब मना कहते हैं ना जन्मों जन्मों तक फिर हमको ये जो है भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। और अगर भगवान की भक्ति नहीं मिली तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए अपराध करना यानी अपने आत्मा की हत्या करना, देह की नहीं आत्मा की हत्या करना, और उसका पतन कर देना। इसलिए विनती है सबसे कि आप जिनकी भी आराधना कर रहे हैं करिए हृदय से, और दूसरे को कभी भी नीचा ना दिखाएं। और जहाँ आप सब बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो बिना वजह हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। जो शास्त्रों में कोट किया हुआ है हम लोग बस उसी को ही कोट करते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं कि हमें निरादर करना है या अपने इष्ट को ऊपर उठाना है, वो नजरिया नहीं रहता है, वो हमारी सोच नहीं रहती है। हम लोग तो वैष्णव अपराध से डरते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग तो हर क्षण हर पल यही सोचते हैं कि वैष्णव अपराध ना हो, किसी भी प्रकार किसी के प्रति भी अपराध ना हो। यही तो परम वैष्णव भगवान शिव, उसके प्रति करके हम कहाँ घोर नरक में जाएंगे। बिल्कुल। तो हम क्यों नरक के गामी बनना चाहते हैं इस तरह के वाक्य, इस तरह के कमेंट्स लिख करके बोल करके? क्या मिलेगा हमें ऐसे लिख करके बोल करके? पहले तो हम ये देखें ना कि हमें मिलेगा क्या। सही बात है, नुकसान में ही जाएंगे हम लोग, हर तरह से नुकसान में जाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बाकी हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की, कभी कोई डिवोटी जो अभी परिपक्व नहीं है, नियोफाइड है, और वो कभी किसी के साथ इस तरह से तर्क होता है शिव जी के लिए या किन्हीं अन्य देवताओं के लिए, तो फिर वो अगर कुछ बोल देते हैं, क्योंकि उनका भी ज्ञान उस समय पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है, क्योंकि नए हैं, तो फिर उसी तर्क में वो लोग भी जो है दूसरे दिशा में ले जाते हैं उस आर्ग्यूमेंट को, उस तर्क को, और फिर वो लोग अपना जो है तर्क पेश करते हैं, और फिर इस तरह से जो है द्वेष की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है, वो बहुत गंदे लेवल पे चला जाता है, बहुत गंदे लेवल पे। अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था, कैसे शब्द यूज करते हैं, मुझे बोलने में भी भिखारी है मंदिर के लिए भीख मांग रहे जी, इस तरह के शब्द, मतलब यहाँ पर जिस बंदे ने बोला उसका चरित्र, और वो भी कोई नॉर्मल कॉमन मान नहीं, वो भी संन्यास मतलब गेरुआ वस्त्र में ही थे और इस तरह का वाक्य बोल रहे हैं, एक तरीके से रिनाउंस्ड ऑर्डर में ही है वो, देखा जाए तो संन्यास से संन्यास के की दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर है। और इस तरह से आपको पता है शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई एक रुपया भी मंदिर के लिए दान करता है इस पृथ्वी पर तो उसका वैकुंठ में स्थान बन जाता है। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर इस योग पीठ को बनाने के लिए, उस समय तो हजारों की सौ की तो बात ही नहीं होती थी, एक एक रुपए चंदा लेकर के, वरना वो इतने ऐसे पोजीशन पे थे कि वो एक वाक्य बोलते पूरा मंदिर तैयार हो जाता रातों रात, रातों रात इतना डोनेशन, पर वो स्वयं एक एक घर में जा करके एक एक रुपया, ताकि लोगों का जो बोलते ना धन है वो सही जगह पर, धन की सार्थकता उसी में है अगर किसी सेवा में लगे तो, भगवत सेवा में लगे, और उनसे जा करके और ये योग पीठ तैयार किया गया। क्या उनकी क्षमता नहीं थी, क्या उनका पोजीशन नहीं था? बिल्कुल था, पर उन्होंने एक चांस दिया लोगों को, सेवा का अवसर दिया ताकि ये न के न प्रकारी उनकी अज्ञात सुकृति बने जी, और वो भगवान के प्रति थोड़ा सा शरणागत हो। बहुत सुंदर बात कही आपने, बस ऐसे ही है, लोग बिना वजह बिना जाने शास्त्रों की बातों को और इस तरह से जो है अपशब्द कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है किसी के लिए भी। तो कहते हैं किसी जीव को भी आप इस तरह से नहीं बोल सकते, किसी कॉमन मैन कोई जीवात्मा अगर कोई मनुष्य यहाँ सामने आ जाए तो इस तरह से आप उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए। आप हम क्या पढ़ते हैं शास्त्रों में, क्या जानते हैं कि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है? बिल्कुल। तो हम किसको कह रहे हैं? अरे वो तो शरीर खत्म हो जाएगा,
हो सकता है उसी समय ही कोलैप्स कर जाए, तो आपने किसको बोला? उस परमात्मा को। तो कैसे आप अपने कर्म बना रहे हैं? एक तरह से तो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, और यहाँ बोलते हैं ना वाणी से अपने कर्म बनाते जा रहे हैं। तो आप जो अभी आपने एक बात यहाँ पर बीच में जो कही कि एक वैष्णव के प्रति कुछ निरादर पूर्वक शब्द लोगों ने इस्तेमाल किए भरे मीडिया में और यूट्यूब में इस प्रकार के कमेंट्स भी किए हैं कि भीख मांगते हैं इत्यादि कुछ कुछ, तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आप उस व्यक्ति का जीवन जाकर के देखेंगे कि कैसे वो इस्कॉन द्वारका में एक छोटे से रूम में अपना जीवन गुजारते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 3 बजे से उनका सुबह 3 बजे उनका जीवन शुरू होता है। सुबह उनकी जो शुरुआत होती है, सुबह सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान करके भगवत सेवा में जाते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने की जो अपनी प्रक्रिया है वो करते हैं, उसके बाद वे पूरी तरह से सेवा के लिए अपना पूरा दिन बिताते पूरा हैं, जीवन दे दिया। हाँ, आप जाकर के देखेंगे उनके रूम में इतना छोटा, मतलब मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था एक रेडियो द्वारका के तत्वावधान में, तो इतना छोटा स्पेस है, आई मीन हम लोग तो कभी सोच भी नहीं हमारे घर का किचन ही उतना है, इतना छोटा होता है। हाँ? लेकिन वो व्यक्ति उसी में रहना, खाना, स्टडी, इतना सुंदर सुंदर लेक्चर देने की जो तैयारियां जो करते हैं वहीं बैठ करके करते थे, और ऐसे व्यक्ति के विषय में आप इतना निरादर पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किए, वो तो बहुत ही शर्मनाक है एकदम। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ही खल रही थी जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग इस्कॉन के विषय में कहते हैं कि इस्कॉन, मतलब जो वीडियोस मैं देखती हूँ उसमें कमेंट में एक कमेंट ऐसा था कि ये जो इस्कॉन है ये एक अब्राहमिक इंस्टीट्यूट है, ये लोगों ने आकर के मतलब हम सनातनियों को बांट दिया है, हम लोग एक ही थे पहले, हम लोग पहले सब एक जैसे अलग अलग देवी देवताओं को पूछते थे तब भी हम एक ही थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण की आराधना करके बाकी सबका अपमान किया है, और मतलब पूरी तरह से वो एक कमेंट तो मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है जो कि किसी मिशन से संबंधित व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस्कॉन को हम पूरी दुनिया से जड़ से मिटा दें, इतना बड़ा भी स्टेटमेंट उन्होंने देने का हिम्मत दिखाई है। तो ऐसे लोग मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, सिंपल है ऐसा कहना। कहने को तो हम कुछ भी कह ले जी बोलते ना, बोलना भी चाहिए तो नाप तौल कर बोलना चाहिए, जड़ से मिटा देंगे। कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जो कहने वाला है उनको भी मिटा सकते हैं, जो इस तरह के अपशब्द कह रहे हैं जो सुनने वाले उनको भी मिटा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर हम ऐसे बोल करके अगर हम हेकरी मारते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने मिथ्या अहंकार को जो है पुष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे समझना चाहिए कि हमारे अंदर कितना मिथ्या अहंकार है, हम कर देंगे। हम तो हर क्षण कहते हैं कि कृष्ण ही ऐसा करते हैं, जो भी प्लान होता है सब कृष्ण का ही प्लान होता है, वो जो करवाना चाहे वही करवाते हैं, और इसके पीछे क्या राज है वो वही जाने जी। और ये भी जो कुछ भी चल रहा है आज, इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है, आगे क्या निखर कर आएगा ये तो मैं बोल रही हूँ आपको आज यहाँ बैठ के सबके सामने। कुछ समय के बाद आप देखिएगा ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है इसके बाद और भी ज्यादा जो है सुचारू रूप से जो है प्रभु आएंगे, और उसके साथ साथ इस्कॉन का और भी नाम बढ़ेगा। हमारा ऐसा नहीं कि इस्कॉन का नाम बढ़ना चाहिए, मतलब कृष्ण का, कृष्ण का प्रचार बढ़ेगा, क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम, कृष्ण के साथ हमारा इटर्नल संबंध है हर जीव का, कोई उसे वंचित नहीं, सबके अंदर वो परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं, तो ये सब उन्हीं का प्लान है, और आप देखिएगा कि इसका क्या और लाभ होता है। इनफैक्ट
तो हर चीज़ जो होती है ना उन्हीं के प्लान से होती है. बंदा सोचता है कि ये मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ या मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं के प्लान से हो रहा है. आज हम लोग देखते हैं ना वो कांड हुआ था रशिया में भगवद गीता का, बैन करने की बात आई थी, केस चले गया था कोर्ट में. इनफैक्ट सभी लोग अच्छा ये वही गीता है जिसके बारे में कहा गया, लेने लग गए. यानी गीता डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ गया, और जो लोग लिए उसको पढ़े कि इसमें है क्या, वो भी डिवोटी बन गए. तो बताइए क्या लाभ, किसका लाभ हुआ, मतलब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी. और यही वैष्णवों का ये है कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज जो है उनके प्लान से होती है. और ये जो अब्राहमिक इंस्टीट्यूट है, इस पर आपका क्या कहना है, ये किस आधार पर लोग इस प्रकार की बात कहते हैं? अब्राहमिक मतलब मैं समझी नहीं, मतलब किस तरीके से? एक ही कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी हम लोग जैसे बोलते हैं. अच्छा, तो उन लोगों को लगता है जैसे क्रिश्चियनिटी में वो लोग बोलते हैं कि जीसस इज द सुप्रीम, तो उसी तरह वो लोग हमको भी, और जैसे कि मुस्लिम जो मोहम्मद है, जो अल्लाह है, उसी को वो लोग सुप्रीम बताते हैं, बाकी सब कुछ उससे छोटा है, उससे नीचे है. तो सिमिलरली जैसे कि और सनातनियों का देखा जाए तो उन लोगों में ऐसा होता है कि रविवार को सूर्यदेव की भी उपासना कर लेते हैं, सोमवार को शिव जी को भी जल चढ़ाए जाते हैं, मंगलवार को हनुमान मंदिर भी चले जाते हैं, बुधवार को गणपति जी के मंदिर भी हो जाते हैं, गुरुवार को जो है बृहस्पति देव की पूजा भी कर लेते हैं, साथ साथ शुक्रवार को लक्ष्मी माता, शनिवार को शनिदेव. तो ऐसा उनका ढर्रा चल रहा था. और उस बीच में इस्कॉन ने आकर के डंका पीट दिया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. तो ऐसा लोगों के दिमाग में आने लगा कि ये तो अब्राहमिक है, ये तो मतलब एक को बता रहे हैं, हम तो इतना सारा पूछते आए हैं, तो अब हम हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे हटाएं और इनका कॉन्सेप्ट हम क्यों स्वीकार करें. तो ये जो उन लोगों की धारणा है ये कहाँ तक सही है? मैंने कहा ना ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब अपना फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार. वरना भगवान ने तो कहा है कि सब मेरे अंग हैं जितने भी देवी देवता हैं. जब स्वयं भगवान गीता में भगवान कह रहे हैं, हर जगह उनको कहा गया है, भगवान वाचक कहा गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसके बावजूद हम अपना मेंटल स्पेक्युलेशन और इस तरह का सोच करके ये अलग अलग धारणाएँ, ये तो वही बात हो गई कि मेरी दुकानदारी बंद हो रही, हम लोग क्या दुकानदारी करने बैठे हैं? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं. आध्यात्मिकता में दुकानदारी चलती है. हम अपना पथ दिखा रहे हैं, ठीक है, रास्ता दिखा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, क्योंकि इसको भी जनरल ऐसी कोई आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उनकी पूर्व सुकृतियां ना हो तब तक इसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करेगा. चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. तो जो उनका हुक्म है, जो उनका इंस्ट्रक्शन है, हम उनको पालन कर रहे हैं, और हम जिनको देख रहे हैं उनको बोल रहे हैं, अब जिनको लेना है ले, जिनको नहीं लेना नहीं ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो अगर हमें ही आकर के कल कोई आकर बोले, कोई शैविक आकर बोले या कोई दूसरे रिलीजन के लोग आकर बोले, जब हम अपने में दृढ़ हैं, हम जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों का ऐसे नहीं कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे हम बोलेंगे कि हम दृढ़ हैं, नहीं, हमें जानने की कोशिश करनी, पर हमें जब ज्ञान है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं हम इस पथ पर दृढ़ हैं. पर आप कितने दृढ़ हैं उस पथ पर, पहले आप अपने को देखिए. जैसे आपने कहा सोमवार को ये, मंगलवार को वो, बुधवार को ये, मतलब वो दृढ़ नहीं है ना. दृढ़ नहीं है इन द सेंस, एक्चुअली में उनका कोई दोष नहीं है. इस तरह से करने का मतलब है कि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है उनके पूजन से, उनके आराधना से. और यही आज का सबका मेन जड़ है, हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं वो पूरी करने के लिए हम किसी के पास भी झुक जाएंगे. डेमीगॉड्स को तो छोड़ दीजिए, हम एक मज़ार पर, एक किसी जगह पर, कोई अगर पत्थर भी ऐसे पड़ा रहे, कुछ भी रहे, वहाँ भी हम माथा टेक लेंगे, एक मुर्दे को भी हम पूजा करने चले जाएंगे. बिल्कुल. हाँ, तो ये सब धारणाएं क्या है,
सिर्फ और सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगर सचमुच में आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक पथ पर चलना है, तो सही ज्ञान कहाँ है, किस तरह से मिलेगा, उसकी खोज करनी चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए, उसके लिए समय जो है अपना लगाना चाहिए, ना कि ये सब फालतू चीज़ों में समय लगाना चाहिए। कोई अगर इस तरह से कह रहा है तो मुझे पता करना है कि ये कहाँ तक सही है, है। आज हम गीता पर सुनते हैं, क्या कभी गीता खोलकर पढ़े हैं? नहीं, वो तो लाल कपड़े में बांध कर रखी हुई है। तो जब पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप इस तरह का मेंटल अपना सोच विचार रखेंगे तो इससे आपको लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम विम्सिकली यानी कि सनकी रूप से हम कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं, हम शास्त्रों का जो सार तत्व हमको प्राप्त हुआ है, आचार्यों की परंपरा से जो ज्ञान हमको मिला है, उसके आधार पर हम कृष्ण की उपासना करने की इस जो परंपरा में आकर के जुड़े हैं। बात जहाँ तक रही देवी देवताओं की पूजा की, तो केवल और केवल मटेरियल डिजायर्स ही उनकी पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि लोगों को जितना अच्छे से पता है कि कृष्ण किसी की भी मटेरियल डिजायर्स पूरी नहीं करते हैं, सभी जानते हैं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं करते। अगर उनको लग रहा है कि वो चीज़ मिल जाने से उस व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है, उस व्यक्ति के जीवन में और भी कष्ट बढ़ सकते हैं, या वो मुझसे दूर भी जा सकता है, तो कृष्ण निश्चित रूप से वो चीज़ आपके जीवन में नहीं देंगे। लेकिन लेकिन यही है, हाँ, कि परम पिता है हमारे, हाँ, वो हमेशा ये उदाहरण देते हैं ना, अगर बच्चा बीमार है तो वो अगर उसको आइसक्रीम खाना बुखार है तो परम पिता कभी उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, है ना? उसके पिता उसको देंगे आइसक्रीम, नहीं बेटा खा लो, निमोनिया हो जाएगा, परंतु उसके पास अगर पैसे हो तो वो जाके दुकानदार से लेकर खाएगा, आइसक्रीम वाले से लेकर खाएगा। अब आइसक्रीम वाले को क्या जरूरत है कि जानने की किसको बुखार है, नहीं खाया, उसको समझाया, उसको उसका काम हो रहा है, उसका काम हो रहा है। तो इसी तरह हम जब किसी भी देवी देवता के पास झुकने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, करिए, हृदय से करिए, और उनके भक्त बनिए, एक निष्ठ भक्त बनिए कि वो मुझे तकलीफ में भी डालेंगे तो भी मुझे मंजूर है। अगर इस तरह की मैं शास्त्रों से ये करके बोलती हूँ कि इस तरह की अगर आपने किसी भी देवी देवता की पूजा की है, एक निष्ठ होकर के कि आप मुझे किसी भी हाल में रखिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वो देखिए इस जन्म में, अगले जन्म में वो आपको कृष्ण तक पहुँचाएंगे, बिल्कुल भगवान की भक्ति तक पहुँचाएंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ आराधना ही करनी है, उपासना ही करनी है, और मटेरियल जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए करनी है, तो फिर तो चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर एक और जो मुद्दा खड़ा होता है वो ये है कि लोग स्विच करते हैं भक्ति को, भक्ति डेमिगॉड, अपने जो आराध्य हैं उसको भी स्विच कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो अमुक अमुक देवी या देवता है, इनकी आराधना करने से मुझे उतना लाभ नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी वो तो तमुक देवी देवता की उपासना करते हैं, तो मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ, शायद उनकी उपासना करने से मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। बस बस ये। तो वो लोग स्विच करते रहते हैं देवी देवताओं को, अपने आराध्य को बदलते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि साफ गीता में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में, कि हमारे कर्म अनुसार जो हमारा लिखा हुआ है वो हमको मिलकर ही रहेगा। बिल्कुल, वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता या उसको टाल नहीं सकता, मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। पर जैसे मैंने पहले कहा ना, वो मुर्दे की भी पूजा कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता देख करके। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा बुद्धिमत्ता कम है, बुद्धिमानी नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज और लग रही है कि लाभ दृष्टिकोण है। बिल्कुल, पूरी तरह से, पूरी तरह से। क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि इस देवी या इस देवता की उपासना करने से मुझे कितना लाभ हो रहा है, तो मैं उसकी उपासना करूंगा, और कृष्ण की उपासना करने से तो कुछ लाभ नहीं होगा ना, भौतिक लाभ। यहाँ पर जो लाभ तो है, गीता में भगवान ने कहा है, आर्थो चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्चन, आर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, तो जो आर्थो जो तकलीफ में है वो आते हैं, भगवान उनकी पूरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
जो अर्थ के लिए आते हो उनको भी देते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि कृष्ण ना ही देते हैं, पर यही है कि वो हमारे परम पिता हैं, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, हाँ वो उस समय देते हैं। और उस समय जब मिलता है या उस माप तौल से मिलता है तब एक स्थिरता बनी रहती है। मतलब हमारा उचित अनुचित देखकर हमको देते हैं। हाँ, उचित अनुचित देखकर। जैसे शिव जी ने वरदान दिया था वृकासुर को कि जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो उचित अनुचित का वहाँ पर कुछ मापदंड नहीं देखा नहीं, गया था। वो तो आशुतोष है, वो तो संतुष्ट हो जाते हैं और जो वरदान देना होता है वो दे देते हैं। तो क्यों ना ऐसे आशुतोष से हम हाथ जोड़कर विनती करके भगवान की भक्ति मांगे। हाँ, और सही राह मांगे तो वो जरूर दिखाएंगे, बजाय इसके कि उनसे कोई भौतिक लाभ, कामना या वासना की पूर्ति के लिए उनके सामने हाथ फैलाए जाए, इसके बजाय हम उनसे शुद्ध भक्ति या एक पवित्र जीवन जीने की अगर हम उनसे कामना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा बेहतर है ना। ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे इस्कॉन में समय समय पर कुछ कुछ त्यौहार मनाए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कृष्ण पर ही हैं, हम और भी जैसे रामनवमी भी हम रामनवमी मनाते हैं, तो बहुत से लोग राम जी के विषय में भी कहते हैं कि नहीं आप इस्कॉन में तो राम जी की उपासना नहीं होती, जबकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जुहू जो इस्कॉन है जो श्रील प्रभुपाद स्थापित किए थे अपने ही सुपरविजन में, उनके खुद के दृष्टि के सामने वो मंदिर बन के तैयार हुआ था, तो वहाँ पर तो श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी के विग्रह हैं। तो ऐसा कोई भेद दृष्टि तो इस्कॉन में नहीं है नहीं। कि हम लोग केवल कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं और नृसिम्हदेव तो हमारे लिए मतलब भक्तों के तो सर्व प्रथम रक्षक के रूप में वही है, रक्षक के रूप में वही है। तो जितना लोग कम जानते हैं इस्कॉन के बारे में वही लोग इस प्रकार का गार्बेज फैलाते हैं बिल्कुल सोशल बिल्कुल, मीडिया पर वही वही। और है ऐसा सबकी जो बोलते ना, एक समय ऐसा भी था कि हम लोग को भी लगता था कि अरे इस्कॉन संस्था कैसी है, ठीक से जानकारी नहीं जानकारी होने के कारण हम ऐसे उल्टे सीधे शब्द कह देंगे, ये कर देंगे तो हम अपराध कर रहे हैं। इससे बेटर है जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो सीधा आकर के भले दूसरे वेश में आकर के इस्कॉन में घुस जाएं और देखें और समझें, फिर उसके बाद निर्णय करें। निश्चित रूप से अपराध न करें। हाँ, पहले जानकारी अच्छे से लें, अच्छे से ले लें फिर उसके बाद, वरना अपराध हो जाएगा वो गलत है। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सबको परम सुख की ओर ले जाना है। हमारा उद्देश्य है कि जीव मात्र अपने परम उद्देश्य यानी कि भगवत धाम की प्राप्ति करें। हमारा उद्देश्य किसी को भटकाना नहीं है या किसी को भी नीचा दिखाना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ एक और मैं प्रश्न आपसे माता जी करना चाहूँगी कि जैसे अभी जो मुद्दा उठा था कि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में एक टिप्पणी हुई थी, तो कितना सच्चाई, कितना मतलब ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सब मुद्दे के बारे में आपकी क्या विचारधारा है। मैंने तो पहले ही आपको बताया, मेरी तो यही विचारधारा है, जो भी है इसके पीछे भगवान का प्लान है और ये आगे चलकर और भी ज़्यादा खिलकर सामने आएगा जी। क्योंकि भगवान जब प्रचार करवाना चाहते हैं ना, या किसी को वो बोलते ना फेम जो है यश जो दिलवाना चाहते हैं ना, वो इस तरीके से भी दिलाते हैं जी। ठीक है, मैं तो यही सोचती हूँ, ये जितने भी हमारे डेमी गॉड्स हैं, हाँ वो सब ऊपर बैठे हैं और सब सबको देख रहे हैं, और किसका क्या करना है वो सब जानते हैं, वो भी भगवान के प्लान से ही अपने कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और बस यही समझ लीजिए कि इसमें सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव जो है सामने आएगा। हाँ, बट लोगों से यही अनुरोध है, इस चक्कर में आप उल्टा सीधा कहकर अपराध न करें, खाली देखते रहें। मैं आज भी कह रही हूँ, देखें, समय कुछ वेट करिए, उसके बाद आप देखिए।
जो परिणाम आएंगे वो जो परिणाम आएंगे अति सुंदर आएंगे जी, अति सुंदर आएंगे जी, क्योंकि हर चीज के पीछे उसका एक प्लान होता है जी, और वो किस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं वो वही जाने। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि कृष्ण जो भी करते हैं वो मानव मात्र के कल्याणार्थ ही करते हैं। कृष्ण कभी किसी का बुरा नहीं होने देना चाहते, इसीलिए कृष्ण सबको मुंह मांगा नहीं देते हैं, क्योंकि पहले कृष्ण देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं तो निष्ठा से करिए, ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि मैं इनकी उपासना कर रहा हूँ, दूसरा अगर किसी और की उपासना कर रहा है तो मैं उसको नीचा गिराने की कोशिश करूँ या उसको नीचा दिखाऊँ, ऐसा प्रयास मत कीजिए। आप सदैव अपने इष्ट की उपासना अपने बेस्ट लेवल पे कीजिए, बेस्ट लेवल पे, ताकि आप उनको संतुष्ट कर सकें, और उनको संतुष्ट करके फिर आपको जो मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनसे ही प्रार्थना करें कि वो आपको सही राह दिखाए जी। प्रार्थना करते ना सब चीजों के लिए प्रार्थना करते, तो एक ये भी प्रार्थना जोड़ दें कि हमें सही राह दिखाए, हम सही रास्ते पर चले, हमको अपना पथ दिखाए। तो आफ्टर ऑल सभी देवी देवता भगवान की ही कहते हैं ना कार्य में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वो सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो भी जो देवी देवता हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। निष्ठा मतलब पूरी होनी चाहिए। हाँ, निष्ठा पूरी होनी चाहिए, मैंने हर प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना भी हो कि हमें सही राह दिखाएं। तो बहुत ही सुंदर सार तत्व माता जी ने कहा है कि आप चाहे जिस देवी देवता की उपासना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिनकी भी उपासना कर रहे हैं निष्ठा से कीजिए और उनसे सदैव यही प्रार्थना कीजिए कि आपको वो सदैव सन्मार्ग पर चलाते रहें, और आपको एक मतलब कहना चाहिए कि एक सुप्रीम कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दें, एक भगवत धाम का जो मार्ग है या यूं कहें उस पर आपको ले जा करके छोड़ दें। बिल्कुल, तब बाकी आगे का काम तो भगवान संभाल लेंगे। बिल्कुल संभाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक एक प्रश्न ऐसा उठता रहता है हमेशा, और मेरे अपने घर का एक सदस्य ने मुझसे इस प्रकार की चर्चा की थी कि आप जो इस्कॉन वाले हैं, मतलब मुझसे उन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं लूँगी व्यक्ति विशेष का, मेरे घर के ही हैं, और उन्होंने कहा था कि कहाँ जा कर के फंस गई बेटा, तुझे पता नहीं इस्कॉन का पैसा तो विदेशों में जाता है, और ऐसी संस्था से क्यों जुड़ गई, मतलब उन्होंने मेरे प्रति इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे। मुझे बड़ा दुख हुआ था कि इस्कॉन को लेकर के इतनी जो दुर्भावनाएँ लोगों के अंदर हैं इसको हम कैसे दूर करें, क्योंकि जन सामान्य जो हमारे प्रचारक हैं जो अभी नए लेवल में हैं प्रचारक, वो कैसे लोगों को कन्विंस करें कि ऐसा जो दुष्प्रचार हो रहा है ये सही नहीं है, इसके लिए हम क्या ऐसा बोलें उन लोगों को कि ताकि वो लोग कन्विंस हो सके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोचते हैं कि इस्कॉन का पैसा विदेशों में जाता है। इस पर तो आप देखेंगे पहले भी हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो लोग भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं, सब यूट्यूब में उन्होंने बताया है कि सारा इस्कॉन का पैसा विदेशों में से जाता नहीं है बल्कि विदेशों से आता है, और वो भी यहाँ मंदिरों के लिए, और कहते हैं जैसे फूड फॉर लाइफ और इस तरह के बहुत सारे कार्य जो है इस्कॉन जो कर रहे हैं उसमें, अभी कोविड में भी कितना सब कुछ किया, तो बहुत सारा पैसा विदेशों से भी आया। तो ये जो लोग कहते हैं ना सुनी सुनाई बात जो है वो लोग बस ऐसे बोल देते हैं, उस समय हमें उनको अगर हम कन्विंस नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ जितना बोल सकते हैं उतना बोलेंगे, बट उनका फॉल्स ईगो उनको वो मानने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। सिंपल बात है, हमारा कार्य है स्पष्ट कर देना जो बात है। तो
कई लोग उसको समझ भी जाते हैं और कई लोग अपने ज़िद पर अड़े रहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते, तो उनके लिए तो बस एक ही है, आप स्वयं आइए, पता लगाइए और हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको पूरा इसका जो है स्पष्ट जो है पोजीशन दिखने लग जाए, ये हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वरना अगर हम बोलने जाएंगे तो आप कितने हद तक मानेंगे कितने हद तक नहीं मानेंगे वी डोंट नो। तो हमारा मतलब इतना पूरा दर्पण की तरह साफ है, बस आप अपना देख लीजिए कि उस दर्पण में आप अगर अपनी शक्ल देख रहे हैं तो आपकी शक्ल में कुछ दाग ना हो बस। तो अगर ऐसा है तो आपको स्पष्ट सब कुछ दिखेगा, और अगर आप कुछ दाग लगा कर आएंगे तो फिर आपको वही दिखेगा। तो इसलिए खुद ही देखें, खुद ही समझें और फिर खुद ही डिसाइड करें। सही बात है। और इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब में जो हमारे बड़े बड़े सीनियर भक्तों ने बताया है, और सारा हिसाब इस्कॉन का सारा हिसाब किताब, एक एक पाई का हिसाब किताब होता है, कहाँ खर्च होते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से कितना आता है, वो सब स्पष्ट रूप से एक पूरा मैनेजमेंट इसको संभालता है जी। जो हर एक मंदिर का, हर एक शहर में हर एक मंदिर का जो ऐसा पूरा एवरी ईयर उसकी काउंटिंग होती है, उसका पूरा अकाउंट्स चेक किया जाता है जी। ये कोई अंधाधुंध संस्था नहीं है कि बस पैसा आए और बस खर्चा करो और ऐश करो या डुबाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक एक पाई का हिसाब होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक इसका एक मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है कि अभी जो पुरुषोत्तम मास के लिए एक विशेष जो पूजा, गौ पूजा जो आयोजित हो रही है राधा माधव कोर्टयार्ड में, तो उसके लिए एक अनुदान राशि कुछ भक्तों ने डोनेट करने का इरादा किया था, तो हमने वहाँ पर दिया। तो मुझे लगातार 3 दिन तक वहाँ से कॉल आए सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आपने किस अकाउंट से दिया, मतलब कुछ भी गोलमाल नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। जिस क्या कहना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए हम लोग दान दे रहे हैं वो उसी में लगेगा और पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है सारा कुछ हिसाब किताब, सारा सारा क्रिस्टल क्लियर। और यहाँ तक कि इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं सबका अपना अपना पर्सनल मैनेजमेंट है। आप ऐसे नहीं देखेंगे कि किसी एक शहर का इस्कॉन वो दूसरे शहर के इस्कॉन के मैनेजमेंट से संचालित हो रहा है, सबका अपना अपना मैनेजमेंट है और सबके ऊपर GBC कार्यरत है, जिसके अंतर्गत हमारे बड़े बड़े सन्यासी संत उस सब पर नज़र जमाए रहते हैं, कहीं कुछ घोटाला गड़बड़ होने की तो चूक होने की संभावना ही नहीं है। पैसा बाहर जाना तो दूर की बात रही, और मतलब इतने मूर्ख तो नहीं है कि पैसा बाहर जाएगा और पुलिस नहीं देखेगी, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि ये लोग जो बोलते हैं पैसा बाहर जाता है तो इसके लिए तो कस्टम डिपार्टमेंट वगैरह सब बैठा है ना, वो क्या इतने मूर्ख हैं कि पैसा इतनी आसानी से बाहर चला जा रहा है और वो लोग आँखें मूंद कर जाने दे रहे हैं, हाँ जाइए जाइए। सिंपल बात है, वहाँ जाएगा क्यों, वहाँ पैसे की भरमार है भगवान की दया से, उल्टा पैसा वहाँ से यहाँ आता है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं फोर्ड कंपनी के जो मालिक है हेनरी फोर्ड, उनके ग्रेट ग्रैंडसन जो हैं अल्फ्रेड फोर्ड, यानी कि अम्बरीश प्रभु, शिला प्रभुपाद के एक प्रमुख शिष्य हैं, जो कि हमारे TUVP टेम्पल के लिए सालों से दान देते आ रहे हैं और हर साल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक बार उन्होंने लमसम दे दिया और नहीं, हमेशा देते रहते हैं, और वो खुद ही नहीं और भी लोगों को प्रेरित करते हैं दान देने के लिए। तो सोचिए अमेरिका से पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने ज्ञान की जो संकीर्णता है उसकी दीवारों को तोड़ करके थोड़ा बाहर निकल करके इस्कॉन के टेंपल में आइए, देखिए, रहिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, किस तरह से सब कुछ संचालित हो रहा है और किस तरह से सब कुछ चल रहा है। तो बिना कुछ जाने सोचे समझे इस्कॉन के ऊपर टिप्पणी करने वालों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पहले आइए, आपका स्वागत है, हम हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करते हैं, मायापुर इस्कॉन में आइए। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक मंदिर तैयार हो रहा है श्री श्री राधा माधव की सेवा के लिए, और आप अभी जो मंदिर है उसमें आप आकर देखेंगे कि कितना सुंदर
भगवान की सुबह 4:30 बजे से सेवा शुरू होती है, जो कि रात 8:30 बजे तक निरंतर जारी रहती है। और उसके अतिरिक्त पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे, भगवान की सेवा में कई कई कर्मचारी जुटे रहते हैं। भगवान के लिए माला, भगवान के लिए भोग, जितने भी प्रसादम काउंटर्स हैं वहाँ के लिए प्रसादी, जो बहुत बड़ा एक प्रकल्प है मायापुर में। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप पहले आइए और देखिए, ये एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद करके गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद के भी विषय में कुछ कुछ लोग बहुत अनाप शनाप बोले हैं इस पूरे वाक्य के दौरान, पिछले एक महीने के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के विरोध में भी कुछ कुछ लोगों ने बहुत ही कटु शब्द वहाँ पर उपयोग किए हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो बहुत मुझे दुख भी हुआ ये सुनकर कि ऐसा भी लोग कह सकते हैं एक महान वैष्णव संत के लिए, जिन्होंने एक पल नहीं लगाया अपना परिवार छोड़ने के लिए और कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए। किसमें इतना सामर्थ्य है कि बिना हाथ में पैसा कौड़ी और अमेरिका जैसे देश में पहुंच जाए। हाँ, मतलब ये तो स्वप्न के जैसा है। हम लोग आज तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कुछ नहीं और हम लोग चल पड़े, लेकिन कितना अटूट कृष्ण पर विश्वास है उनका कि उन्होंने देखा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइपराइटर कुछ तो उनके पास था और वो भी चोरी हो गया था वहाँ पर जाकर। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रील प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। और कौन ऐसा है जिसने विश्व भर की जो परिक्रमा है, हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने 12 सालों के अंतराल में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया है, विभिन्न देशों में जाकर के कृष्ण भक्ति का अलख जगाया है, कृष्ण भक्ति की जो ज्योत जगाई है वो अपूर्व है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि हम इस्कॉन डिवोटी हैं तो हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा और भी बहुत अलग अलग संप्रदायों के लोगों ने कहा है कि सच में वैसा संत तो अब होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है ना, क्योंकि पूरी पृथ्वी को कृष्ण भावनामृत की इस माला में मोती की तरह पिरो दिया उन्होंने। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में आज इस्कॉन के कई सारे, मतलब जहाँ तक मेरा अंदाज है 800 मंदिर सेंटर सब कुछ मिला करके पूरे विश्व में आज के समय में हैं, और सभी टेंपल्स सेंटर से कई कई लोगों को फ्री प्रसादम मिलता है और बेस तैयार हो रखे हैं जहाँ पर कि युवा लड़के लड़कियाँ अपनी पढ़ाई के दौरान वहाँ रहते हैं, भक्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप भक्ति भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और एक अनुकूल वातावरण आपको मिलेगा। तो जितना आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिक्चर है वो आप तो अधूरी पिक्चर देख रहे थे। एग्जैक्टली है ना, पूरी पिक्चर बिना देखे और डिसीशन ले लेना वो सही नहीं है। अगर पिक्चर देखनी है तो पूरी देखें, तभी उस पर कुछ कमेंट करें। जी जी, और लोगों का यही है आजकल, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लिया कर लिया और फॉल्स ईगो और द्वेष, ये सब तो सबके अंदर है जी। हम तो सिंपल कहते हैं आज, जो भी सन्यासियों के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए ऐसे शब्द कहते हैं तो ये संसार है, संसार में ऐसे लोग, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे उनको नहीं छोड़ा जी। तो फिर श्रील प्रभुपाद और दूसरे संत इतने बड़े बड़े, उनके लिए भी लोग बोलते हैं। तो इस तरह से कहते ना, भगवान को जो नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर इंसानों की क्या बात है। और फिर ऐसे ऐसे महान संतों के लिए बोलेंगे तो वो अपना कर्म बना रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इससे बेटर यही है कि बिना जाने बिना समझे कुछ ना बोलें। मैं तो कहती हूँ किसी के लिए भी ना बोले, संतों की तो दूर की बात, भगवान की तो दूर की बात, किसी के लिए भी बिना सोचे बिना जाने बिना समझे शब्द ना बोलें, अपने कर्म ना बनाएं। ये मेहरबानी करें,
और अपनी आत्मा का पतन होने से बचाएं, अपने आप को नरक गामी न बनाएं, ये दिमाग में रख करके कोई भी बात बोलें, सोच समझ कर बोलें। देखिए माता जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहे हैं कि भगवान तक को बख्शा नहीं है इन मानव समाज के कुछ, ये सब कुछ असुर हैं, असुर बिल्कुल। असुर लोग कभी भी देवताओं को का बोलबाला नहीं होने स्वीकार देते, नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमेशा हावी रहते हैं। तो इस तरह की जो वाणी यूज करते हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं वो इतना असुरी प्रवृत्ति उनके अंदर है जो वो उभर कर आती है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस असुरी प्रवृत्ति को नाश करने के लिए हमें ये महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रवृत्ति अगर नाश हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो इस प्रवृत्ति को ख़त्म करना है और हरि नाम से ख़त्म करना है। हरि नाम लीजिए और शांति से रहिए, और बिना वजह किसी बातों पर तर्क वितर्क न करते हुए, कमेंट न करते हुए अपना जीवन व्यापन करें। जी, तो एक सार तत्व मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बिना जाने, जैसे कि एक कहावत कही जाती है कि एक पुस्तक को केवल उसके कवर से आप जज नहीं करना चाहिए आपको, पहले उसका अंदर क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ना चाहिए, लेखक ने किस भाव से लिखा है, उसकी मनोदशा क्या थी, उसके अनुरूप आपको फिर जजमेंट देना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, ना वही है ना, फॉल्स ईगो, सीधा जजमेंटल हो जाते हैं, हम ही सही हैं, हम ही, एक हमको ही वो पोजीशन मिला है जज करने का, हर कोई यही सोचता है इसलिए। और मान लीजिए अगर हम गलत साबित हो भी जाते हैं कि हमने उस व्यक्ति को जज किया और हम गलत साबित हो गए, नहीं वो सही था क्योंकि हमने तो बिना जाने उसको जज कर दिया, तो वहाँ पर क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो। बिल्कुल, कि हमने बिना जाने व्यक्ति को कुछ कह दिया उठा करके, तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन लोग क्षमा नहीं चाहते, उनको लगता है कि नहीं हमारा दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो माता जी जैसे बार बार दोहरा कर उस चीज़ को कह रहे हैं कि मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, ये बहुत ही खतरनाक है। इसी मिथ्या अहंकार के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं, भगवान के उस अद्भुत धाम से दूर, उस प्रेम के साम्राज्य से दूर, यहाँ हम इस भौतिक जगत में कष्टमय स्थिति में हैं। देखने को लग सकता है कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, हाँ, किसी का सुंदर चेहरा देख करके, उसका सुंदर रूप देख करके, सुंदर वस्त्राभूषण देख करके आप कह सकते हैं, जज कर सकते हैं, वही बात कि आप किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। अंदर क्या भरा पड़ा है, मन में क्या क्या कष्ट हैं, क्या मतलब क्या क्या परिस्थितियां हैं, या क्या क्या उसके अंदर गंदगियां भरी हुई हैं, आप उससे नहीं जज कर सकते, उसके ऊपर के आवरण से, है ना। तो हर चीज़ की गहराई में जा कर के, इसका मतलब हमको और ज़्यादा अपने अंदर पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा हम आज जिससे चर्चा की है, इस सब का जो सार तत्व निकला वो ये है कि हमें और ज़्यादा धैर्यशाली होने की आवश्यकता है, और ज़्यादा चीज़ों को परखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, धैर्य रखने की है, परखने की है, और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करने की है। जितने ऐसी सिचुएशंस आती है, हम भगवान के प्रति और ज़्यादा झुकाव हो जाता है, और ज़्यादा तीव्र हमारी प्रार्थनाएं हो जाती हैं। एक तरह से ऐसी सिचुएशंस आकर के हमको भगवान के और करीब ले जाती हैं। जैसे कुंती महारानी कहती ने, मेरे जीवन में कष्ट आया तो भगवान के प्रति और ज़्यादा उनका सरेंडर हो गया। तो एक तरह से हम सब भक्तों के लिए, हाँ, ये जो भी कांड हुआ है उसके, हम और भी भगवान के प्रति और भी ज़्यादा जो है शरणागत हुए हैं, और हमारी प्रार्थनाएं और तीव्र हुई हैं। तो इनफैक्ट इन लोगों ने और हमें भगवान के क्लोज कर दिया है, और हमारा एक और भी दृढ़ निश्चय आ गया कि हम सही जगह पर हैं। बिल्कुल, हम जिस, क्योंकि सही से जुड़े हुए हैं, सही चीज़ का ही जो है वो होता है ना, बाहर सही चीज़ को ही लोग गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। गलत को तो गलत सभी साबित ये कर लेंगे, जानते ही हैं, हाँ,
तो अगर सही को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब जो सही है वो और निखर कर आएगा। जी, बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पर माता जी ने कहा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि गलत तो है ही गलत, लेकिन सही को गलत साबित करने की होड़ मची हुई है। तो पहले अपने बुद्धि विवेक के स्तर को बढ़ाइए, शास्त्रों का अच्छे से एक निपुण गुरु के सानिध्य में रह कर के अध्ययन कीजिए, और अपने फॉल्ट्स को, अपने मिथ्या अहंकार को जितना हो सके दबाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के हम इस डिस्कशन को यहीं विराम देंगे। बहुत ही अच्छा लगा, माता जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया। हम प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और माता जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि माता जी हमारे साथ जुड़े। तो यहीं पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय।